ये अवार्ड मेरे को कृषि की नई तकनीक जिसको आजकल प्रोडक्टिव कल्टीवेशन कहते हैं उसमें हाई वैल्यू क्रॉप कुकुम्बर के लिए दिया गया है। जो ग्रीन हाउस तकनीक होती है एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पूरा खेत जो होता है उसको एक नेट या पोलिथीन से कवर्ड कर दिया जाता है जिससे फसलों को बेटर सुरक्षा मिल पाती है, पैसे मिल पाती है, बाहर के जो एटमॉस्फेयर होता है उससे बचाव हो पाता है। तो उसकी वजह से उसमें बेटर क्वालिटी की फसल और बेटर क्वांटिटी के साथ में फसल निकाली जा सकती है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं और 2012 से मैं यह सोच के एग्रीकल्चर में आया कि किसी न किसी को तो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं इस क्षेत्र में आया और उसमें आकर मैंने ये सेलेक्ट करने की कोशिश की कि किस प्रकार की खेती के साथ में शुरुआत की जा सकती है जो आगे जाकर अन्य किसानों की प्रेरणा स्रोत हो और जो किसानों को उसकी आय डबल करने में, जो आज के हमारे देश का मिशन है कि किसानों की आय डबल होना चाहिए, उसमें उनको लाभ दिला सकें। मैं महिंद्रा के बारे में वैसे 2-3 वर्ष से जानता हूँ, लेकिन इसी साल मेरे को चूँकि मैं अच्छे काम करता हूँ तो कुछ पत्रिकाओं की वजह से महिंद्रा वालों के साथ में साल जुड़ना हुआ। इस साल एग्रीकल्चर के जो आधारभूत स्तंभ हैं लाइक डेयरी सेक्टर, प्रोटेक्टिव फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग और भी बहुत सारे जो इसके जो साइड बाइड कंपोनेंट है लाइक बी कीपिंग, मैं चाहता हूं कि अगर इस क्षेत्र में सभी तरीके से समन्वित काम किया जाए तो मेरा बिल्कुल 100% मानना है कि एग्रीकल्चर बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। केवल गांव के यूथों की ये टेंडेंसी बन चुकी है कि खेती घाटे का सौदा तो गांव छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों को एक ही मैसेज है कि खेती को छोड़ के ना जाएं। और खेती शहर की नौकरी से कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मैंने महसूस करके भी देखा और मैं ये करके और दिखा रहा हूँ पूरा।